Assalamu alaikum students, today we are going to start the topic waves as a carrier of energy of unit number 1 simple harmonic motion and waves. Wave kya hoti hai? Wave last time humne padha tha, wave hoti disturbance in a medium. Jab bhi wave produce hoti hai to uske jo particles hain wo vibrate karte hain about the mean position of energy ko is tarah transfer bhi karte hain jab wave produce hoti hai. To wave kaise energy transfer karti hai uska dekhte hain. के वेव्स कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम स्ट्रेच जो अगर कोई स्ट्रिंग हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग की एग्जांपल लेते हैं, उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो या उसको हम शेक करते हैं अपने हैंड से, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिंग को. जैसे हम उसको स्ट्रिंग को शेक करेंगे स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं. वो किस वजह से होती हैं? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपनी मस्कुलर एनर्जी देते हैं स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हैं तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं. स्ट्रिंग के पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे तो जो अपनी एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे. हर पार्टिकल अपनी एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफ़र करता जाएगा नेक्स्ट पार्टिकल को. इसी तरह क्या होती है, वेव प्रोड्यूस होती है और आगे एनर्जी भी ट्रांसफ़र करती जाती है. एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है. वेव जो है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे भी. एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंडेड है, यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. अगर हम वेव को ज़्यादा शेक करते हैं, फास्टली शेक करते हैं, यानी जितना ज़्यादा हम फास्ट शेक करेंगे स्ट्रिंग को उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. जितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इसका मतलब है वेव हाई फ्रिक्वेंसी की प्रोड्यूस हो रही है, और वेव हाई फ्रिक्वेंसी की प्रोड्यूस हो रही है और एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है. तो ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे भी. इसकी कॉमन अगर हम एक्टिविटी देखें, एग्जांपल देखें, तो क्या करें, एक आप वाटर टब ले लें या कोई भी चीज़ लें, उसके अंदर अगर आप एक कॉर्क रखते हैं, कॉर्क उसके अंदर आप अगर किसी तरह वेव प्रोड्यूस करें, उसके अंदर एक स्टोन डिप करें या स्टोन फेंकें उसके अंदर, तो वेव प्रोड्यूस होंगी. क्या होगा, जैसे जैसे वेव्स आगे जाती जाती हैं जो कॉर्क हमने रखा हुआ है वो भी क्या करेगा, आगे मूव करता जाएगा. इसका मतलब है कि वेव्स अपनी एक जगह से जब दूसरी जगह जाती हैं तो एनर्जी भी एक अपने साथ प्रोड्यूस करती हैं और एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ. वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है. वेलोसिटी, अब जाहिर है वेव मूव करिए एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी. फ्रिक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट इन वन सेकेंड, और इसकी वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ क्या होती है, हमारे पास वेवलेंथ होती है. तो वेवलेंथ हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका आपस में क्या रिलेशन है. तो देखिए वेलोसिटी हमें पता है किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है, वी इज इक्वल टू डी ओवर टी. अब वेव एक सेकंड के अंदर या वेव जो है अपने जब एक साइकिल कंप्लीट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं. तो वेव के लिए यानी एक ट्रफ से एक क्रस्ट से दूसरे ट्रफ तक एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो क्या है, टाइम पीरियड है. तो वेव इसका टाइम जितना लेकर जो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे जो टाइम लगेगा वो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड के इक्वल है, और वो क्या है, टी है. और डिस्टेंस हमारे पास पता है कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, क्रस्ट और ट्रफ, तो जो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें पता है वो क्या होती है, वेवलेंथ होती है. तो वी हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम है, वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम था, डिस्टेंस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी, और टाइम की जगह हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा. हमें पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, जितनी फ्रिक्वेंसी हमारे पास एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी, ठीक है. फ्रिक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल होता है, वन ओवर टी, यानी फ्रिक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग टू पॉइंट इन वन सेकेंड, तो एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी. अगर हम यहाँ पे देखें वन ओवर टी की वैल्यू, वन ओवर टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, फ्रिक्वेंसी पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा.